नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। रामगढ़ से मंटू प्रसाद की रिपोर्ट। सिसौड़ा पंचायत के युवा समाज सेवी एवं पूर्व मुखिया प्रत्याशी प्रदीप कुशवाहा के सौजन्य से एवं क्षेत्र के समाज सेवियों के सहयोग से हाड़कप कपाती ठंडक में वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा दिव्यांगों के बीच साल के पहले दिन कंबल दान किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन करता समाज सेवी एवं व्यवसायिक रामगढ़ दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रामनिवास गुप्ता एवं मुखिया प्रतिनिधि गौतम खरवार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वे संचालक की भूमिका युवा समाज सेवी प्रदीप कुमार सिंह ने निभाई। इस अनोखे ढंग से नया साल मनाने वाले समाज सेवियों में रोहित वर्मा, मनोज अग्रहरी, अरविंद गुप्ता, दुर्गा पूजा संघ अध्यक्ष रामगढ़ रामनिवास गुप्ता, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि गौतम खरवार, शत्रुघ्न यादव, डॉक्टर अरविंद सिंह, सरविंद सिंह, विनोद कुशवाहा, डॉक्टर भरत यादव, श्याम बिहारी सिंह, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर राकेश कुशवाहा, शिवजी मौर्य, राहुल कुमार एवं प्रविंद कुशवाहा जैसे युवा शामिल रहे। यह कार्यक्रम हर साल पहला जनवरी को किया जाता है। बुजुर्ग, दिव्यांग एवं विधवा महिलाएं इन समाज सेवियों खूब सारा आशीर्वाद दिया। ये कंबल वितरण जो है, चार सालों से हम अपने जो सहयोगी हैं, हमारे जो मित्र हैं, समाज सेवी हैं, उनके सहयोग से और खुद भी इसमें हम पहले से अपने पिताजी की वजह से प्रेरित हैं, जो समाज सेवा में हमेशा आगे बढ़ चढ़ के कार्य करते थे, और उनके कार्य को बढ़ाने के लिए मेरे मित्र जो है एकदम तैयार रहते हैं। अभी आपने देखा भी कुछ समय पहले यहाँ, अभी फिलहाल में जो राशि मिली सहयोग करने के लिए, आगे कंबल वितरण करने के लिए, जो गरीब हैं, लाचार हैं, विधवा हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए जो है सहयोग के रूप में हमारे मित्र खड़े रहते हैं हमारे साथ में, और मिलकर के हम हर साल जो है पहली तारीख को एक नए कार्य के साथ, नए जोश के साथ हम इस कार्य को प्रारंभ करते हैं और बहुत ही मजा आता है इसमें। इस कम्बल सभी को बांटा जाता है कि केवल दिव्यांगों के लिए है? जी, दिव्यांग, विधवा और वृद्धजनों को भी वितरण किया जाता है। हर साल वितरण किया जाता है? जी, हर साल लगभग चार सालों से हमने शुरू किया है, ये चौथा साल इस बार है। 2016 से हमने शुरू किया था, 16, 17, 18, 19, 20, ये पांचवा साल है। तो इस तरह से हम लोग अभी फिलहाल, हमारे रामगढ़ प्रतिनिधि गौतम खरवार मुखिया जी हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, और साथ में हमारे गार्जियन हैं रामनिवास गुप्ता जी, डॉक्टर अरविंद जी ठाकुरिया से जो आई टी सेल के रालोसपा के जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे परम मित्र विक्रम जी और गार्जियन, जितने भी हमारे तमाम युवा साथी हैं, शिवजी मौर्य, तमाम लोग सहयोग करते हैं, और हर साल मैं आगे भी इसे करता रहूंगा, क्योंकि मेरे जो युवा साथी हैं कहते हैं कि ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह सिसौड़ा से है, और 5-6 सालों से मैं समाज में सक्रिय हूँ, काफी उम्र कम है, तो इस छोटी उम्र में मैं सक्रिय हुआ हूँ, और आगे भी इस तरह की सेवा भाव से मैं आगे कार्य करता रहूंगा। ये कम्बल वितरण में सहयोग आपका भी रहा है? हमेशा ऐसे समाज सेवियों के प्रति मेरा उदार हृदय है, और प्रदीप जैसा युवा साथी अगर ऐसे कार्यक्रम में अगर आगे चल रहे हैं, तो इनका साथ देने के लिए बहुत से लोग आगे आएंगे, और इनसे एक सीख मिलती है समाज में। समाज की सेवा से बढ़ करके कोई बड़ा धर्म नहीं होता है, और इतना बड़ा धर्म करने के लिए प्रदीप कुमार जी जब चले हैं तो इनके साथ हम लोग खड़े हैं। ठीक सर, आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं रामनिवास गुप्ता, रामगढ़, और पूजा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ दुर्गा चौक, और यही मेरा परिचय है। और मैं सोचता हूँ कि बहुत से ऐसे युवा हैं और असहाय, विकलांग और दिव्यांग, वृद्ध और विधवा, जो असहाय हैं, जिनको किसी भी तरह से कोई सहायता राशि नहीं मिल पा रही हो, उनको जाड़े के दिन हो चाहे गर्मी के दिन हो, जिस प्रकार की जो उनको सुविधा चाहिए वो दिया जाए, कि ऐसे युवाओं के साथ तो बहुत अच्छा लगता है और मजा भी आता है समाज में। ओके सर, ये कम्बल वितरण में क्या आपका सहयोग भी रहा है? जी, हमारा सहयोग जब से ये कर रहे हैं हमारे प्रदीप जी इस कार्य को, तब से हम इस दिन के साथ लगे हुए हैं, और हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि एक बेहतरीन कार्य के लिए, जिसमें जरूरतमंदों को हम अगर कुछ पल के लिए और खुशी बांट सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। और प्रदीप जी के द्वारा जो ये चलाया गया है, और हम भी इनके साथ पिछले 4-5 सालों से लगे हुए हैं, और मुझे खुशी होती है कि आगे जैसे भी चलता रहे, उसको हम सुचारू रूप से चलाते रहें, और कोशिश रही कभी इसके अंदर कोई बाधा ना आए, हर बाधाओं को पार करेंगे। सर, आपका परिचय? हमारा परिचय अरविंद कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष रालोसपा, आई टी सी। ओके सर,
ये जो है हमारे सर हैं प्रदीप सर हैं, हम लोगों को क्लास मतलब 7-8 से पढ़ाई है और बहुत ही मजा आता है साथ में लोगों का समाज सेवा करना, समाज में रह करके लोगों के बीच में नए उत्थान का एक जागरूकता के तहत लोगों को समाज सेवी रूप से लोगों को देखना। और इन्होंने जो कार्यक्रम चलाया और हम लोग मतलब कि जब भी मिले सर से जब भी मिले बात हुआ। क्या ये कार्यक्रम हर साल की जाती है? हाँ सर, ये सालों साल की जाती है और हम लोग मतलब कि कहा जाता है कि कोई भी काम 1 तारीख से अगर शुरू करते हैं तो अच्छे दिन से अच्छे काम से शुरुआत किया जाए, तो हम लोगों ने इससे अच्छा काम नहीं समझा। और ये ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में अगर इस तरह का हम लोग अगर सहायता करते हैं तो और हम लोगों के लिए मतलब कि अंदर से खुशी मिलती है। परिचय, मेरा नाम राहुल कुमार सुमन है, मेरा घर चिंतामनपुर से, मैं हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। आइए राहुल जी, बहुत अच्छा लगा, धूप हो गई। आवत